हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हमने अपने चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको फाउंडेशन जो है इस सीरीज का पता चले तो आज हम जो है यूनाइटेड नेशंस के वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है और इंपॉर्टेंट सबसे जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हम उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का काम क्या है और वो कितना सक्सेसफुल रहा और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं तो आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वॉट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखिए इट इज़ वन ऑफ़ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस हमने पिछले वीडियो में देखा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो 1945 में एक चार्टर के तहत ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस जो था वो सक्सेसर था लीग ऑफ नेशंस का यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद इस्टेब्लिश किया गया था ताकि और वर्ल्ड वॉर ना आए लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के आने के बाद लोगों को और ख़ासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये पता चला वी नीड स्ट्रिंजेंट एक्शंस टू बी टेकन तो एज़ अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया और जब यूनाइटेड नेशंस को इस्टैब्लिश किया गया तो उसके सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे या सिक्स प्रिंसिपल या फिर सिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स में वो बटा गया था जिसमें वो अलग अलग काम करता था तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है तो इसी वीडियो में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके बारे में हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन द ओनली वन इन विच ऑल मेंबर नेशनस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन 193 नाइन्टी थ्री है यूनाइटेड नेशंस की और जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें 193 नेशंस को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है यानी कि जब एजेंडा या फिर प्रायोरिटी लिस्ट सेट की जाती है तो वोटिंग किया जाता है 193 नाइन्टी में और वन मेंबर कंट्रीज में जो है फॉर ईच कंट्री एक वोट दिया जाता है यानी कि मेजोरिटी के बेसिस पर काम करते हैं यहाँ पर तो देखिए दिस इज वेयर द डेमोक्रेसी स्टार्ट एट द वर्ल्ड लेवल द मेन डेलीबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन तो हमने देखा कि 193 नाइन थ्री मेंबर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जाहिर सी बात है हमने हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए तो ये 193 कंट्री मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठते हैं वहाँ पर जो है डिस्कशंस होते हैं क्रिटिसिजम्स होते हैं और जो कुछ भी एक्शन यूनाइटेड नेशंस को लेना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड करता है थ्रू अ मेजॉरिटी वोट वॉट इट डज़ तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आप एक पिक्चर में देख सकते हैं दरअसल एक कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं दरअसल ये स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो बात कर रहे हैं और ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो उन्हें सुन रही है आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर अलग अलग जो वर्ल्ड के लीडर्स जाते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर स्पीचेस देते हैं और यूनाइट नेशन की जनरल असम्बली जहाँ पर 193 डेलीगेट्स बैठते हैं वो उनकी स्पीचेस सुनते हैं इट पॉर्स आर टू ओवरसी द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ज़ाहिर सी बात है कि जब 193 नाइन्टी थ्री मेम्बर्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उतना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का बजट क्या होगा अलोकेशन कहाँ का होगा तो ये मेजोरिटी वोट के तहत किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में अपॉइंट द नॉन परमानेंट मेम्बर्स टू सिक्योरिटी काउंसिल हमने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप उस वीडियो को में देख सकते हैं हमने डिटेल में बात की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या हैं तो देर आर फाइव परमानेंट मेंबर्स एंड टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स तो ये 193 मेंबर का जो ग्रुप है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करता है दो साल में एक बार जो पांच परमानेंट मेंबर्स हैं वो है चाइना यूएसए यूके फ्रांस और फिर रशिया हम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हमने जो के कहा कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलिबरेटिव बॉडी है तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल वो भी जो है इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में थ्रू इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं रिसीव रिपोर्ट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ यू एन जो कि डिलीबरेटिव बॉडी है तो रिपोर्ट्स और कमीशन जो है वो इसी के हाथ में होते हैं मेक रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली रेजोल्यूशन तो जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट या फिर एक लेजिलेटिव बॉडी की तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो रेजोल्यूशंस पास करता है ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए हाउ डज इट वर्क तो ये काम कैसे करता है वोटिंग ऑन सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेमली पीस एंड सिक्योरिटी बजेटरी कंसर्स And the election, admission, suspension, or expulsion of member is by a two thirds majority of those present and voting. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं यानी कि दुनिया के पीस और सिक्योरिटी को लेकर यूनाइटेड नेशंस में बजट और उसके अलोकेशन को लेकर या फिर किसी कंट्री को नया मेंबरशिप देना है या फिर उसकी मेंबरशिप को एक्सटर्मिनेट करना है तो वो डिसीशंस टू थर्ड की मेजोरिटी से किए जाते हैं यानी कि जितने भी मम्बर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वन नाइनटी में मान लेते हैं कि देर आर नियरली हंड्रेड मेम्बर्स हु हैव कम हंड्रेड डेलीगेट्स हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसमें से टू थर्ड मेजोरिटी जो है यानी कि समवेयर अराउंड 65 या उसके ऊपर मेंबर्स जो है टू थर्ड मेजोरिटी की इलेक्शन या फिर वोटिंग ज़रूरी है इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिसाइड करने के लिए अदर क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजारिटी तो बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजोरिटी यानी कि फिफ्टी परसेंट वोट्स का आना जरूरी है ईच मेंबर कंट्री हैज़ वन वोट हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि 193 कंट्रीज हैव वन वोट ईच The members can vote on anything except matters of peace and security under Security Council consideration. हमने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है United Nations Security Council के बारे में कि वो कितना important है वो कौन से कौन से aspects को delegate करता है अपने हाथ में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो जो इशूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने हाथ में लेता है उस पर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसी भी प्रकार का इलेक्शन या फिर वोटिंग नहीं रखता प्रेजेंट स्टेटस तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेजेंट स्टेटस क्या है ऑल 193 मेंबर्स थ्री मेम्बर्स ऑफ यू एन आर मेम्बर्स ऑफ जनरल असेंबली तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी लेजिस्टिव बॉडी जो है जनरल असेंबली उसका भी आप मेम्बर बन जाएंगे होली सी एंड पैलेटीन आर ऑब्जर्वर स्टेट्स ये दो कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेटस उन्हें दिया गया है हालांकि पैलेस्टीनियन हैज़ बिन लॉबिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम के उसे एक मेंबर स्टेट बनाया दिया जाए लेकिन कई एलिगेशन है कि यू और इसराइल के नेक्सेस ने जो पैलेस्टीन को अवॉइड करके रखा है या फिर उसे मेंबरशिप देने की रजामंदी उनमें नहीं है द एजेंडा फॉर ईच सेशन इज प्लैंड अप टू सेवन मंथ्स इन एडवांस तो देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल जुलाई में जो है वो सेशन्स चल रहे हैं तो सेवन मंथ्स प्रेयर जो है जुलाई के वो एजेंडा सेट किया जाता है सेशन के लिए बिगन्स विद द रिलीज ऑफ अ प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ आइटम टू बी इंक्लूडेड इन प्रोविजनल एजेंडा यानी कि एडिक्वेट टाइम दिया जा रहा है 193 नाइन्टी थ्री कंट्रीज़ को और वन नाइन्टी थ्री मेम्बर डेलीगेशन्स को कि जब आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आएंगे सेशनस के लिए तो ये हमारा एजेंडा होगा तो ये हमारे प्रोविजनल लिस्ट में होगा तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो